चलो क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। कनेक्टेड सुहानी? सर। ठीक है, पार्टनर्स दो हैं, तो पार्टनर्स का नाम क्या है? साजल काजल। साजल काजल, ओके। चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 46। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स वर, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल्स ही दिखा देनी चाहिए कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 4 लाख। ओके जी, कैपिटल्स आ गई। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्या रेट है? 5% पर एनम। तो 5 5s are 25,000। सबसे पहले आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल एंड काजल 5%। तो 5 5s are 25,000, 5 4s are 20,000, 45,000। ओके जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बनाएंगे, गलती नहीं होती, फिर स्पीड भी तेज रहेगी। 5 5s are 25, 5 4s are 20। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन में किसी को डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख्स। कह रहे प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पूरे साल का, लोन का अमाउंट है 3 लाख। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है अनुष्का? नो सर। इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं, अगर गिवन नहीं है तो हम क्या रेट लेंगे? 6%। 6%, तो 3 लाख का 6% हो गया 18,000। अब ध्यान से देखना, हमें पढ़ना चाहिए कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है या बिफोर। लास्ट लाइन है प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव वाज ₹7,02,600। तो क्वाइट क्लियर है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने अभी ऊपर एडजस्टमेंट्स नहीं करी। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, तो दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकियों में तो कोई डाउट नहीं है कि बाकी तो वैसी सारी अप्रोप्रिएशन है, वो तो वैसे ही करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन का बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ लिखा होता नेट प्रॉफिट वॉज दिस मच, कुछ नहीं बता रहा बिफोर या आफ्टर, तो वो आफ्टर ही होता है कि सारे चार्ज कंसिडर कर लिए होंगे। लेकिन अगर होता नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव, बिफोर द अबव, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं हुआ होगा, आपको करना है। अब ध्यान से देखना, अमाउंट तो 18,000 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेजेंटेशन, दिखाएंगे कैसे। 7,02,600 है, बट 18,000 का इंटरेस्ट था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं करा। तो अब कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, 7 लाख ये दिखाना जरूरी है जो कर रहा हूं, 7,02,600 माइनस 18,000। तो 18,000 डिडक्ट करके, तो 6 3 18,000, 3 लाख ही था, 6%, ठीक है। तो 7,02,600 माइनस 18,000, 6,84,600 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिडक्ट करके इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे। तो मैं आपको यही बात वहां पे समझाई थी, एक बार देख लेते हैं क्या समझाई थी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से देखना, इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन हैज नॉट बीन चार्ज एंड नेट प्रॉफिट इज गिवन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वी मस्ट डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एंड देन ट्रांसफर द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये उस टाइम पे
कहने की कोशिश करी थी, बातों में उतना समझ नहीं आता जितना क्वेश्चन के साथ समझ आता है। तो समझ आया उस टाइम पे क्या कहने की कोशिश कर रहा था? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स है साजल 1 लाख, काजल 80,000। तो चलो सहीश, ड्रॉइंग्स कहाँ पे दिखाएंगे? साजल 1 लाख, काजल 80,000। ड्रॉइंग्स कहाँ पे? ड्रॉइंग्स सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। गुड, डेबिट साइड। हो सकता है एक और रेडी हो जाए, देखते हैं अभी पता चल जाएगा। 1 लाख और 80,000, ये वाला तो सही हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ दिखाते हैं, कहाँ कहाँ दिखाते हैं? सर क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं सर, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। वेरी गुड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। साजल एंड काजल 6% पर आना है, तो 1 लाख है, तो बताओ साजल का इंटरेस्ट कितना होगा? बोलो सर 3,000। क्या 3,000 होगा ना सर? कैसे सर? 6% और सर मतलब 6 मंथ्स का होता ना सर। वेरी गुड, बच गए, मुझे लग रहा था आप भूल चुके होंगे अब तक। वेरी गुड, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, लमसम अमाउंट गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ये ध्यान रखना बेटा, यही रूल्स तो याद रखने हैं। तो 1 लाख का 6% 6,000, 6,000 का हाफ 3,000, 6 8 48, 48 का हाफ 2,400। मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल चुके होते हैं यहाँ तक आते आते, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का केस वन था, उसके बाद हमने कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर ली, अब ऐसी छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहती हैं, वो मेरे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं। रूल क्या था? अगर लमसम अमाउंट गिवन है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। फर्म के लिए इनकम है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना निकला था? 3,000 एंड 2,400। प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्लियर है? यस सर। ओके, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। तो अभी क्या क्या हो चुका है ध्यान से देखना, वर्क नोट में दिखाता हूं आपको मैं। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या थे? 684,600 प्लस 5,400। क्रेडिट्स, क्रेडिट्स क्या है? 690 माइनस डेबिट्स, डेबिट्स अभी तक कितने हुए हैं? 45,000। डिविजिबल प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला किसी को डाउट? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो 10% ऑफ 6,45,000, तो जनरल रिजर्व क्या आया? 64,500। हर्षिता, जनरल रिजर्व कहाँ शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, पता है? यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। गुड, और कोई अप्रोप्रिएशन बची नहीं थी, जनरल रिजर्व आ जाएगा, जनरल जनरल रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेशन हम दिखाई चुके हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, बस रेफर वर्किंग नोट। जनरल रिजर्व कितना आया? 64,500। जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन में किसी कोई डाउट? कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन कोई डाउट? नो सर। ओके,
लास्ट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, ध्यान रखना। लास्ट स्टेप ये सारी चीजें हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, अब आए हैं फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2:1 के रेशियो में। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है साजल्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, साजल्स कैपिटल अकाउंट, काजल्स कैपिटल अकाउंट, बस नाम काफी है, नाम काफी है। ओके, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स 45 माइनस 64,500, आपके प्रॉफिट बचे थे 5,80,500, किस रेशियो में बटने थे 2:1, वेरीफाई करेंगे रेशियो क्या था 2:1, तो ध्यान से देखना 2:1, साजल को कितना मिलेगा 5,80,500 इंटू 2/3, 5,80,500 इंटू 1/3, तो 5,80,500 इंटू 2/3, 5,80,500 इंटू 1/3, 80,500 भी है ना, ठीक है, वेरीफाई करेंगे टोटल आया 580,500, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला ईच पार्टनर का, इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। जो प्रॉफिट निकल गया वो पार्टनर की इनकम है, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। साजल को कितने मिले 387, काजल को कितने मिले 1,93,500, क्रेडिट आ गए। क्लोज कैसे करेंगे कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्रेडिट्स 9,12,000 माइनस डेबिट्स 1,03,000, तो क्लोजिंग बैलेंस साजल का आया 8,09,000, काजल क्रेडिट्स 6,13,500 माइनस डेबिट्स 82,400, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, इसमें किसी कोई डाउट? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, इसमें किसी कोई डाउट? जैसे हम लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं हमारे आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, क्लोजिंग बैलेंस आज 8,09,531,100, 8,09,531,100, ठीक है जी। शेयर ऑफ प्रॉफिट 387,193, ठीक है। जनरल रिजर्व 64,500, 387,193,500, 64,500, ठीक है। ध्यान देना बेटा, प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए और कैलकुलेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए और स्पीड भी तेज होनी चाहिए। धीरे धीरे स्पीड सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप शुड बी अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से देखेंगे।